ये दो दांत बच्चा है। हाँ जी। और 20 रोज बाकी है सर, मेरे को कुछ बोलने, अब जरा आर्डर की तरफ, फल की तरफ और बछड़ी की ब्रीड की तरफ आप कैमरा लगाइए और कैसी घोड़े की तरह बछड़ी चलांग ले। इसकी तरीफ के बारे में मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद बोल रही है। हाँ जी। कितना दूध दे देगी भाई? सर फर्स्ट ब्यांत में अभी जाएगी 30+। 30+ देना भी चाहिए भाई, अगर ऐसी बछड़ियां नहीं देगी तो फिर देगी कौन सी। और फर्स्ट ब्यांत में 35 लीटर दूध दिया सर। दूसरे ब्यांत में अभी ब्याने वाली, दूसरे ब्यांत में अभी बच्चा देने वाली। चलाते रहिए भाई, कोई बात नहीं, चलने दीजिए थोड़ा। और बछड़ी की सर लाजवाब शानदार बछड़ी है। हाँ, हाइट देख सकते हो, लेंथ देख सकते हो, ऑर्डर क्वालिटी अभी 20 रोज से भी ऊपर बाकी है सर। सही है जी। और बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, कैसे तो इतनी नुकरे घोड़े की तरह चलते, घोड़ी जैसी है, असल में घोड़ी जैसी, रुकने का सही है जी। इसकी तारीफ के लिए तो बोलना तो मेरे को कुछ जरूरत नहीं है, वीडियो में आप कैमरा में खुद देख रहे हो सर। सही है जी। इतनी सुंदर बच्ची, दूध के दांत और हाइट, लेंथ, लंबाई, ऑर्डर क्वालिटी, थन क्वालिटी, स्ट्रेट बैकबोन, फेस तो मैं हर बार हीरोइन जैसा फेस है बछड़ी का। सही है। इतनी सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए आरके डेयरी फार्म से लेकर हाजिर हुए हैं जी। रियासत भाई के फार्म पर आज फिर से पहुंचे हुए हैं। प्रॉपर एड्रेस खास पशु मंडी डव वाली है, जो अपनी मंडी डव वाली के मात्र 5-7 किलोमीटर की दूरी पर भाई साहब का ये फार्म है। रूटीन में वीडियोस आप लोग अपने चैनल पर देखते रहते हो और हर बार की तरह आज फिर से जो 18 गायें आप लोग सामने देख रहे हो, यहाँ से सेल होकर जा रही हैं महाराष्ट्र के लिए। कहने का मतलब दो गाड़ियाँ लोड होकर जाएंगी, एक गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है, दूसरी गाड़ी अभी थोड़े समय के बीच में यहाँ पर आ जाएगी। आगे की डिटेल बातचीत रियासत जी के साथ करते हैं और प्रॉपर डिटेल आज वाली गायों की और कस्टमर का रिव्यू आगे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कैसे हो रियासत जी? सर बहुत बढ़िया। बढ़िया चाहिए, काम काज, घर परिवार? काम काज, घर परिवार सब भगवान का शुक्र है जी। बहुत अच्छी बात है। तो रियासत जी हर बार की तरह आज फिर से एक बार प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर पहले शेयर कर दीजिए भाई। मेरा एड्रेस है सर मंडी डब वाली, गाय की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, उसी मंडी से 8-10 किलोमीटर की दूरी पे मेरा फार्म है सर, बठिंडा रोड पे। हाँ जी। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है सर 8847608059। सही है जी। तो रियासत जी रूटीन में वीडियोस आती रहती हैं चैनल पर जी। जी सही है जी, जी। रूटीन में गाय महाराष्ट्र के लिए जा रही है जी सर। आज फिर से कितनी गाय आज लोड करने वाली सर? दो गाड़ी जा रही है। दो गाड़ी जा रही है। और भाई पहली बार आए हैं जो पहले भी आए? सर फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं, चलो गाय भी वैसे अच्छी हैं तो मेरे हिसाब से दोबारा दोबारा आते भी रहेंगे जी सर। बात ऐसा है, कोल्हापुर के एरिया में भगवान के शुक्र से मेरा बहुत माल गया है, तो नए कस्टमर आ भी रहे हैं। आज इनकी दो गाड़ी लोड की है, आज कस्टमर और कोल्हापुर से और आए हैं, कोल्हापुर के एरिया के आसपास के। हाँ जी। जो कर्नाटक बॉर्डर बेलगाम से भी दो कस्टमर है जो अभी आज आए हैं। तो ऐसा है मेरा माल उधर सर काफी चला गया, लोग वीडियो पे नंबर लेते हैं तो उनका माल देखकर मेरे पास माल लेने के लिए। बढ़िया बात है रियासत जी। पता क्या है, जो ना वीडियो में जो बातें होती हैं सिर्फ बातों तक वो सीमित नहीं रहनी चाहिए जी। वो असल में आप हर बार भी बोलते हो ये बात, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे MP हो, कोई भी नया भाई जुड़ना चाहता है तो उनको रेफरेंस दिया जाएगा, पहले उन्हीं के एरिया में जाकर अपना जो क्या है कि रिव्यू देखें, वो जाकर कस्टमर के साथ बातचीत करें जो पहले से जुड़े हुए हैं। वो बातें एक तो रहती है कि सिर्फ वीडियो में बोलने वाली जी, अगर असल जिंदगी में भी कस्टमर को वो सुविधा दी जाती है ना जी, तो वो सबसे बढ़िया बात है सर। बात बहुत लोग वीडियो डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं, बात तो रिजल्ट पे टिकी है। सही है जी। रिजल्ट कहाँ है? हाँ जी। रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट के बेस पे कस्टमर आएगा सर। सही है जी, सही है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर महाराष्ट्र के, गुजरात के, MP के कि कोई भी नया किसान गाय लेना चाहता है, मेरे से पहले मैं आपके ही एरिया के 8-10 आदमी का रेफरेंस दूंगा, उनकी गाय देखिए, बातचीत कीजिए। अगर हमारा डीलिंग गाय डीलिंग अच्छा है, गाय अच्छा है, तो हमारे पास गाय लो वरना मत लो। सही है जी। बाकी क्या है ना कि जब से आपके पास आना शुरू किया तो एक ही बात पर आपका हर बार फोकस रहा है, हम लोगों ने हर वीडियो में वो बात भी की है कि रिपीट कस्टमर में बिलीव है आपका। रिपीट तो सर मान लो कुछ छोटी से दुकान से लेकर बड़े से बड़े बिजनेस तक आप कस्टमर रिपीट नहीं होता तो बड़ी बड़ी कंपनियां फ्लॉप हो जाती है। मान लो सर जो कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट बिक रहा है, ब्लैक में भी बिकता है जिनको, और कुछ लोग गेट पे जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारा प्रोडक्ट लो, बात रिजल्ट पे है। सही है जी, सही है। आप
छोटी बात में बहुत कुछ बोल दिया आपने। जी जी सर, समझने वाले समझेंगे। तो रियासत जी, अब एक ओवरव्यू दीजिए आज वाली 18 गायों के बारे में, क्या दूध की एवरेज और क्या दाम की एवरेज है जी? सर दूध 25 लीटर से लेकर 35 लीटर तक की गाय, 25 से 35 की एवरेज जी। सही है जी, गाय सभी की सभी छोटी एज वाली है, कोई बड़ी खोला टाइप वाली बात नहीं। नहीं सर, दो दांत चार दांत बच्चे लिए सब। बढ़िया, बीच में दो चार गाय तो भाई साहब ने मिल्किंग करके लिए। अच्छा, सारे इधर मेरे पास हैं। हाँ, ये 6-7 आदमी आए हैं, 4-5 आदमी है, उन्होंने बोला बच्चों के लिए पंजाब से कपड़ा लेना है। अच्छा, कपड़ा लेने चले गए, घूमने के लिए गए, घूमने के लिए गए। अभी गाड़ी, अच्छी बात है जी, यादगिरी रहती है थोड़ी। जी जी सर, तो दो आदमी हमारे पास है अभी उनके। ओके जी, तो रियासत जी पहले एक दाम की ओनर एवरेज भी बता दीजिए, फिर गाय चलाएंगे उसके बाद में इनका एक्सपीरियंस। दाम सर 90,000 से लेकर 125-130 तक गाय दिया है। और मैंने पिछली वीडियो में देखा, बोला था जो सर लोग बोल रहे हैं 35 लीटर वाली गाय, 40 लीटर वाली गाय, मैं 75,000 में दूंगा, 70 में दूंगा, ये सब फ्रॉड है। इन लोगों के झांसे में, नए किसानों को मैं बोल रहा हूँ, इनके झांसे में मत आइए। 70-75 में 35-40 लीटर का कोई गाय नहीं मिलता है पंजाब में, क्योंकि अच्छी ब्रीड, अच्छी क्वालिटी, आप बछड़ी भी तैयार करते हो तो सर उसको तैयार करने में बहुत खर्चा और बहुत मेहनत लगता है। तो 70 जो फर्स्ट ब्याद में गाय 25 लीटर दूध देता है, 35 लीटर दूध, 30 तक प्लस दूध देता है, वो 60-70 में नहीं आती है। ये मैं कस्टमरों को रिक्वेस्ट करता हूँ, इन लोगों के झांसे में मत आइए। और अच्छा टॉप क्वालिटी का 30+, 35 लीटर, 40 लीटर गाय लेना है तो 1,00,000 से लेके 25-30 तक आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा। तो रियासत जी फिर ज्यादा समय बातों में नहीं, सिलेक्टेड सी गाय चलाएंगे, आगे कस्टमर का रिव्यू। जी सर। हाँ जी दोस्तों, बातचीत काफी होगी जी, अब इससे आगे एक एक करके सिलेक्टेड सी गाय आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे। पहली बछड़ी आप लोगों के सामने पहले आ चुकी है, कद काठ देखिए, बछड़ी की ब्रीड देखिए, रंग रूप देखिए इसका, और ऊपर से रीढ़ की हड्डी बिल्कुल फ्लैट, अडर की क्वालिटी आप लोगों के सामने अभी बहने वाली है। चलाते रहिए भाई थोड़ा थोड़ा, रियासत जी डिटेल बताते जाइए। सर ये अभी दूध के दांत बच्चा जी, दूध के दांत बच्चा, सही और है जी। इसकी तारीफ के लिए तो बोलना तो मेरे को कुछ जरूरत नहीं है, वीडियो में आप कैमरा में खुद देख रहे हो सर। सही है जी, इतनी सुंदर बच्ची, दूध के दांत, और हाइट, लेंथ, लंबाई, अडर क्वालिटी, थन क्वालिटी, स्ट्रेट बैकबोन, फेस तो मैं हर बार हीरोइन जैसा फेस है बछड़ी का। सही है, इतनी सुंदर, असल में हीरोइन जैसे ही है भाई। बाकी क्या है कि खुले में आ गई भाई, अपनी बचपना दिखा भी रही है ये, है ना जी। जी, और कितना समय पेंडिंग है जी अभी? सब इसका 15 रोज बाकी है, 15 रोज पड़े हुए हैं जी। और कितनी दूध की आशा है भाई? सर इसका अभी फर्स्ट ब्यांत है, बहुत अच्छे सीमन की बच्ची है, और इसका मदर रिकॉर्ड सर 50 लीटर है, और ये फर्स्ट ब्यांत में 30 प्लस करेगी आराम से, 30 से ऊपर जाएगी पहले बार में। बोलने वाला नहीं, असल में जो निकलने वाला रहेगा सर। बड़ा या गाय वजन से दूध नहीं, बछड़ी की, गाय की ब्रीड दूध देती है। सही ब्रीड तो आप देख रहे हो, खुद अंदाज लगा सकते हो। सही, और हर मान लो वीक में 3-4 गाड़ी तो महाराष्ट्र मेरी जाती ही जाती है। हाँ जी। और कस्टमर रिपीट भी हो रहा है, गाय को हमारी बछड़ियां देखकर नए कस्टमर भी आ रहे हैं, तो सर जो रिजल्ट है तो इसलिए आ रहे हैं। सही है जी। ओके रियासत जी, दाम बताया जाएगा अकेली अकेली का? ये सर इसका दाम 1,05,000 में दिए सर। 1,05 में जी सर। इससे आगे दूसरी मंगवाई, इससे आगे दूसरे नंबर पर दोस्तों एक और ये गाय आप लोगों के सामने आ गई जी। आज थोड़ी सी देखने वाले भाइयों से क्षमा चाहता हूँ जी, लाइटिंग की थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है, क्योंकि सूर्य देवता अपने घर को वापस परत चुके हैं, इसी वजह से थोड़ी सी रोशनी कम है। रियासत जी डिटेल बताते जाइए। सर ये चार दांत बछड़ी है। हाँ जी। और फर्स्ट ब्यांत में 35 लीटर दूध दिया सर। दूसरे ब्यांत में अभी बहने वाली, दूसरे ब्यांत में अभी बच्चा देने वाली। चलाते रहिए भाई, कोई बात नहीं, चलने दीजिए थोड़ा। और बछड़ी की सर लाजवाब शानदार बछड़ी है। हाँ, हाइट देख सकते हो, लेंथ देख सकते हो, अडर क्वालिटी अभी 20 रोज से भी ऊपर बाकी है सर। सही है जी। और बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, कैसे तो इतनी नुकरे घोड़े की तरह चलते, घोड़ी जैसी है, असल में घोड़ी जैसी, रुकने का स्टाइल घोड़ी जैसा है ना जी। बहुत सुंदर और शानदार बछड़ी है सर। अगर पहले बार में 35 दे दिया तो भाई इस बार तो 40 प्लस जाएगी फिर। सर हमने कस्टमर को 40 लीटर बोल के दिया है। हाँ जी। 40 प्लस करेगी, और ज्यादा डिपेंड सर डाइट पे रहता है। सही है, ये अच्छी बात बोली। एक नंबर ब्रीड और दूसरा नंबर डाइट। गाय का दूध जाड़ के नीचे होता है। सही बात है, यही चीज है कि अगर अच्छा खाना दाना हम लोग इसे देंगे, इससे 45 भी निकाल सकते हैं। अगर खाना दाना अच्छा नहीं मिलेगा सर, तो ये 30 भी नहीं देगा। फर्स्ट नंबर तो ब्रीड पे है। हाँ जी। अगर आप देसी क्रॉस गाय को कितना भी खिलाओ वो तो वही देगी। सही है जी, सही है। फर्स्ट नंबर ब्रीड पे भी होनी चाहिए ना उसकी। और दूसरा नंबर सर डाइट है। सही है जी। डाइट क्या देना है, कैसे देना है, कैसे बैलेंस करके देना है, कुछ ज्यादा खिलाने से नहीं देती है गाय, डाइट को बैलेंस करना पड़ता है टेक्निकल तरीके से। सही है जी, ले जाइए भाई, बांधिए जी। रियासत जी दाम?
दाम सर 1,15,000 में दिए सर, और फर्स्ट ब्यांत में इसने 35 लीटर दूध दिया है विद्र को, अभी 4 दांत है सर। सही है। और सर ऐसा है अभी जो नए किसान हैं उनको दिमाग में गलत फहमी होता है, गाय इतनी दूर आएगा कैसे आएगा क्या कैसे होगा। मैं गाय बिक्री करने में कोई भी कर सकता है, सबसे पहली बात तो अच्छी ब्रीड और अच्छी क्वालिटी देने की गाय की होती है, और दूसरी बात सर 2,000 किलोमीटर पे डिलीवरी देना वो सबसे बड़ी बात है। मैं ये नहीं बोलता आप पंजाब में गाय लो, मेरे पास से लो, कहीं से भी लो, लेकिन अनएक्सपीरियंस बंदे से मत लो, क्योंकि 2,000 किलोमीटर पे डिलीवरी देना एक बहुत बड़ा मैटर है। गाय जहाँ पे जितनी सुंदर अच्छी यहाँ पे दिखती है वो उतनी ही सुंदर महाराष्ट्र में दिखनी चाहिए, वो कैसे दिखती है कैसे जाएगी वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है सर। ओके जी, इससे आगे तीसरी गाय आ गई, इससे आगे दोस्तों तीसरे नंबर पर आ गई जी एक और बहुत शानदार, ये बछड़ी बोलूं या गाय बोलूं सब कुछ चलता है इसके लिए, रंग रूप, ब्रीड क्वालिटी, बॉडी स्ट्रक्चर, अडर की शेप, आंचलों का साइज और गैप देखिए दोस्तों, एक साइड से देख रहे हैं दूसरी साइड वाले आंचल दिख नहीं रहे, इतना परफेक्ट शेप और परफेक्ट गैप है एक दूसरे के बीच में। रियासत जी डिटेल बताते जाइए। सर अभी ये 2 दांत बच्चा है। हाँ जी, और 20 रोज बाकी है सर, मेरे को कुछ बोलने आप जरा अडर की तरफ, थल की तरफ और बछड़ी की ब्रीड की तरफ आप कैमरा लगाइए और कैसी घोड़े की तरह बछड़ी चलांग ले, इसकी तारीफ के बारे में मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद बोल रही है। हाँ जी, कितना दूध दे देगी भाई? सर फर्स्ट ब्यांत में अभी जाएगी 30+। 30+ देना भी चाहिए भाई, अगर ऐसी बछड़ियां नहीं देगी तो फिर देगी कौन सी? सर ऐसी ब्रीड दूध नहीं करेगी तो क्या करेगी? इसी ब्रीड की वजह से तो भाई 2,000 किलोमीटर चल के बहुत अच्छे टॉप के सीमन की बच्ची है सर, और इसका मदर रिकॉर्ड 50+ है सर। सही है जी। और रियासत जी दाम कितने में दिए जी? दाम दिए 1,12,000 में सर। 1,12,000, और जो दाम है वो असल वाला दाम है, ये नहीं कि जब कोई और कस्टमर आ जाएंगे तो ये बोलेंगे भाई आज दाम बढ़ गए। सर जी ऐसा है मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आपको अच्छी टॉप क्वालिटी अच्छी ब्रीड बछिया लेनी है, 2 दांत 4 दांत तो इतना दाम तो सर लगाना ही पड़ेगा। ये सब 70-75 वाले सब जानसे इनके सर मेरे पास हैं, मेरी भी ऑफ कैमरा जैसे आप गाय लेने गए तो मेरी अभी बात हुई जी, वो जी बोले कि हमने भी वो चीजें देखी हैं और सुनी हैं जी, लेकिन इधर आकर पता चलता है वो बात नहीं है। वही मैं सर हम अक्सर वीडियो यूट्यूब पे हम भी देखते रहते हैं, 75,000 में 35 लीटर, 60,000 में 35 लीटर। प्लीज आप ये बोले वाले किसानों को मैं बताना चाहूंगा, इन लोगों के झांसे में मत आइए। और दूसरी बात सर, आप हमारे मेरे पास से गाय लेते हो, मेरे फार्म से लेकर आपके गेट तक महाराष्ट्र हो कर्नाटक हो गाय पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा, आप घबराइए मत। रास्ते में ट्रांसपोर्ट की, डॉक्यूमेंट्स की, क्या क्या होता है सब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। सही है, आप बेफिक्र होकर आइए। और महाराष्ट्र में तो भगवान की दया से हर वीक में चार गाड़ी मेरी जा रही है सर। बहुत अच्छी बात है। तो रियासत जी अब एक्सपीरियंस अपने कस्टमर भाइयों का जानते हैं। हाँ जी सर, देखने वाले भाइयों के साथ शेयर करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हो जी? बढ़िया अंकल जी? बढ़िया बढ़िया चाहिए। क्या शुभ नाम है अंकल अपना? अवसर पटेल। और कहाँ के आप रहने वाले हो जी? हम कनवर तालुका शिरो जिला कोल्हापुर। और इधर पंजाब की अगर बात करूँ, पहली बार आए या पहले भी आए कभी? पहली बार आए। बिल्कुल पहली बार। पहली बार। सही है जी। तो रियासत जी के साथ सबसे पहले तो संपर्क कैसे हुआ जी? हम यूट्यूब पे देख के संपर्क हुआ। अच्छा, यूट्यूब से वीडियो देख कर? वीडियो देख के। वीडियो में अभी भी काफी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे पहले आपसे, है ना जी? हाँ। तो असल में अच्छे इंसान हैं या कुछ ना कुछ ऐसा वैसा फर्क है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। असल बात बोल रहे हो? असल बात बोल रहा हूं। सिर्फ ये तो नहीं कहीं के वीडियो बनाने से पहले आपको सिखाया हो कि भाई ऐसा ऐसा करके कुछ? अच्छी बात है जी। तो गाय खरीदी घूम फिर कर, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सही है जी। जीनी भाइयों का भी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। जैसी गाय सोच कर आए थे कि ऐसी खरीद कर लानी है वैसी मिल गई? वो हमारे को कैसी चाहिए थी वैसी ही मिल गई। सही है जी। 2 दांत 4 दांत। कोई नया भाई आना चाहता है महाराष्ट्र से आज के दिनों में, क्योंकि बहुत भाई आ रहे हैं, तो फिर उन्हें क्या बोलना चाहोगे आप? नहीं, हम रशीद भाई का ही नंबर देंगे। अच्छा, इनके पास ही आना चाहिए। तो थोड़ा फिर मराठी में भी एक्सपीरियंस बता दीजिए। मराठी में बोलता? मराठी में बोलने का तो रशीद भाईंच्यापाशी यायचं की चांगल्या माणसं आहेत, चांगलं काम करतात, चांगल्या गाई बघून देतात, चांगल्या किमती देतात, नको असेल तर ती देत नाहीत, त्यात फॉल्ट असला तर तिथे नेत नाहीत, चांगली माणसं आहेत। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। माईक दे दीजिए रियासत जी को। रियासत जी, बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट है कैमरे के सामने, है ना? हाँ जी, हर बंदा नहीं बोलता है कैमरे, क्योंकि इन्होंने 1.5 मिनट में अपनी बातचीत समाप्त कर दी, और मैंने इधर इनके साथ जो बातचीत की, इनका एक्सपीरियंस पर्सनली जाना, वो 2-3 मिनट मेरे को समय मिला,
तो उसमें मैं तो अपनी तरफ से यही बोलूंगा कि कस्टमर भाई काफी खुश होकर जा रहे हैं। अगर खुश हैं तो मेरा भी बोलने का फर्ज बनता है कि भाई मैंने बातचीत की है, इनका एक्सपीरियंस जाना है, ये अच्छे आदमी है, खुश हैं ये। सर कस्टमर आता है, गाय लेने आता है, गाय देना धंधा अलग बात है, और जो खुश होके जाए वो सबसे बड़ी बात है, और संबंध रहना चाहिए उसी को बिजनेस। अगर आप कोई हम बिजनेस करते हैं कस्टमर के साथ संबंध बिगड़ता है वो बिजनेस नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ हम कस्टमर रिपीट में बिलीव करते हैं सर। और ज़्यादा बातें नहीं करने की करने से मैं किसानों को यही बोलना चाहूँगा, गाय कहीं से भी लो, मैं नहीं बोलता मेरे से लो, अनएक्सपीरियंस बंदे से मत लो। जो पुराने बंदे हैं जो 10 साल या 15 साल से काम कर रहे हैं, गाय को कैसे डिलीवर होती 2000 किलोमीटर में करना है, उस बंदे से माल लो। और गाय मेरे फार्म से लेकर आपके गेट तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी, आप बेझिझक होकर घबराइए मत, आप आ सकते हो। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है सर 8847608059। एड्रेस पशु मंडी डबवाली से मात्र 5-7 किलोमीटर की दूरी पर। जी जी सर। ओके जी, धन्यवाद, अच्छा लगा बात। ओके सर, थैंक यू।